अकाउंटिंग क्लास 3 आपने निकालनी इंग्लिश टैक्स की बुक, ठीक है। आपने आना है इसके फर्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 1 है ड्रूथी मीट्स द स्केयरक्रो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ड्रूथी मीट्स द स्केयरक्रो, ड्रूथी जो है वो स्केयरक्रो से मिली। ड्रूथी वॉक अलोंग द रोड, इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। ड्रूथी जो है वो रोड के साथ चल रही थी, रोड किस तरह का था, येलो ब्रिक्स का, ये देखिए येलो ब्रिक्स, ठीक है। व्हेन शी हैड गॉन सम माइल्स शी नीडेड टू रेस्ट, जब वो थोड़े से आगे चली तो उसको क्या हुआ, रेस्ट की ज़रूरत पड़ी, वो थक गई थी, ठीक है। शी क्लाइम टू द टॉप ऑफ द फेंस बिसाइड द रोड एंड सेट डाउन, जो ये रोड के साथ इस तरह से फेंस बना हुआ था कॉर्न, ताकि जो है किसी भी तरह की फील्ड हो, कॉर्न फील्ड हो, तो वहाँ पर आगे नहीं जा सकें। इसको कहते हैं बाड़, इसे कहते हैं फेंस, ठीक है। इसके ऊपर सबसे ऊपर बैठ गई ड्रूथी। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड बाय द फेंस, हर डॉग टोटो वॉज ऑल्सो टायर्ड, इसका जो डॉग था ड्रूथी का वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था, वो भी क्या हुआ ऐसे करके रास्ते में ही बैठ गया, ठीक है। देयर वॉज अ लार्ज कॉर्न फील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस एंड इन द फील्ड देयर वॉज अ स्केयरक्रो, ड्रूथी ने क्या देखा कि फेंस के बैक साइड पर दूसरी तरफ बहुत सारी कॉर्न फील्ड है, पूरी बहुत एरिया तक फैली हुई कॉर्न फील्ड है, और वहाँ पर क्या है, स्केयरक्रो। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, ऑन नंबर पेज नंबर 3, ड्रूथी गेज्ड एट द स्केयरक्रो, ड्रूथी ने देखा स्केयरक्रो को गौर से। इट हैड वॉज अ स्मॉल सैक स्टफ विद स्ट्रॉ, उसका हैड कैसा था, सैक, सैक मीन्स बोरी, बोरी थी, और उसके अंदर क्या भरे हुए थे, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स घास फूस। इट्स हैड वॉज अ स्मॉल सैक स्टफ विद स्ट्रॉ, इट्स फेस वॉज पॉइंटेड ऑन द सैक, उसका फेस कैसा था, पेंटेड हुआ हुआ था, सेक के बोरी के ऊपर पेंट किया हुआ था, इसका ओरिजिनल फेस नहीं है, ये क्या है, पेंटिंग है। इसकी आइज नोज लिप्स जो बनी हुई है वो क्या है, सैक के ऊपर पेंटिंग हुई हुई है, ठीक है। और फेस के अंदर क्या भरा हुआ है, सैक के अंदर स्ट्रॉ भरी हुई है। इट हैड एन ओल्ड पेंटेड ब्लू हैट ऑन इट्स हेड, और उसके सर पे क्या है, पेंट की हुई ब्लू हैट रखी हुई है, ठीक है। ऑन इट्स बॉडी इट वॉर अ ब्लू सूट ऑफ फेडेड क्लोथ, और उसने ऐसे ही पुराने से जो है वो ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और उसके अंदर भी क्या है, स्ट्रॉ से स्ट्रॉ भरी हुई है कपड़ों के अंदर। विच हैड ऑल्सो बीन स्टफ विद स्ट्रॉ, ऑन द फीट वर सम ओल्ड बूट्स, और उसके पैरों में क्या है, सम ओल्ड बूट्स, ठीक है, ठीक है। ये पूरा कैसा है, पूरा स्ट्रॉ से बना हुआ है, ये देखें इसके हाथ भी स्ट्रॉ के, इसके फेस के सैक से बनी हुई है, और इसके अंदर भी क्या है, स्ट्रॉ, ठीक है। इसके पैर भी ऐसे ही हैं, और इसके अंदर क्या है, ओल्ड शूज़ और फेडेड क्लोथ्स। ऑन द फीट वर सम ओल्ड बूट्स, द स्केयरक्रो वाज टाइड टू अ टॉल पोल, स्केयरक्रो को किससे बांधा हुआ है, एक लंबा सा एक पोल है जो कहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल इसके बैक तक, बैक साइड पे, ठीक है, इससे इसको बांधा हुआ है। द स्केयरक्रो इट वॉज हियर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम ईटिंग द राइप कॉर्न, स्केयरक्रो किस लिए होते हैं, बर्ड्स को डराने के लिए, ताकि जो भी फसल है, जो भी कुछ राइप कॉर्न वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो उनको खा ना सकें, ठीक है, बर्ड्स को डराने के लिए होते हैं। इससे बर्ड्स क्या होते हैं, वो दूर रहते हैं फील्ड से। वाइल ड्रूथी वॉज लुकिंग एट द पेंटेड फेस ऑफ द स्केयरक्रो, जब ड्रूथी ने गौर से स्केयरक्रो के फेस को देखा और वो देखती रही, उसने क्या देखा, शी वॉज सरप्राइज टू सी वन ऑफ आई स्लोली विंक एट हर, उसने देखा कि उस स्केयरक्रो ने जो है वो ड्रूथी को आँख मारी, विंक मीन्स आँख मारना। शी थॉट शी मस्ट हैव इमेजिन, उसको ऐसा लगा, शायद उसे ऐसा ख्याल आया है, बिकॉज क्योंकि ये लिविंग थिंग तो है नहीं ना, उसको ऐसा लगा। देन द स्केयरक्रो नोडेड इट्स हेड टू हर इन अ फ्रेंडली वे, फिर स्केयरक्रो ने क्या किया, थोड़ा सा अपना सर घुमाया ऐसे ड्रूथी की तरफ, तो ड्रूथी को बड़ी हैरानी हुई कि ये तो मूव कर रहा है, ठीक है। ड्रूथी क्लाइम डाउन फ्रॉम द फेंस एंड वॉकड अप टू इट, ड्रूथी जो है वो फेंस से उतर के इसकी तरफ बढ़ी, स्केयरक्रो की तरफ। टोटो रैन अराउंड द पोल एंड बाग, टोटो ने भी जब ये चीज़ नोटिस की तो टोटो ने भी बहुत ज़ोर से बाग करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर स्केयरक्रो ने बोला, गुड डे, यू डिडंट जस्ट स्पीक डिड यू, लड़की को बड़ी हैरत हुई, आस्क गर्ल इन वंडर, वंडर मीन्स हैरानी होना, लड़की को बहुत हैरत हुई कि ये तो बोल भी सकता है। यू जस्ट डिडंट स्पीक डिड यू, सर्टेनली आंसर्ड द स्केयरक्रो, हाउ डू यू डू, उसने बोला हाँ मैं बिल्कुल, स्केयरक्रो ने कहा हाँ मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, और उसने क्या पूछा, आप कैसी हैं, आई एम प्रीटी वेल थैंक यू, ड्रूथी ने क्या बोला, मैं बहुत अच्छी हूँ, ड्रूथी रिप्लाइड पोलाइटली, ड्रूथी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, हाउ डू यू डू। फिर स्केयरक्रो से पूछा कि आप कैसे हैं, आई एम बोर्ड, स्केयरक्रो ने क्या बोला, मैं बहुत बोर्ड हूँ, इट वॉज़ वेरी डल बींग स्टक अप हेयर
नाइट एंड डे टू स्केयर अवे क्रोस। उसने कहा मैं सारे दिन यहाँ खड़े रहता हूँ, दिन रात स्केयर क्रो को भगाता रहता हूँ और मैं क्या हो गया हूँ, बहुत बोर हो गया हूँ। कांट यू गेट डाउन, आज रूथी रूथी से कहा कि आप मुझे नीचे नहीं उतार सकती हो। स्केयर क्रो ने कहा नो दिस पोल इज स्टक अप माई बैग। रूथी ने कहा कि आप नीचे नहीं उतर सकते हो, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं उतर सकता हूँ, मेरे पीछे क्या है, एक पोल है जो वो कहाँ तक है, बैक मीन्स कमर तक है, प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन। स्केयर क्रो ने बोला आप मेरी हेल्प करो ताकि मैं नीचे आ जाऊँ। रूथी रीच अप बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द स्केयर क्रो ऑफ द पोल। ही वॉज क्वाइट लाइट बिकॉज ही वॉज ओनली स्टफ विद स्ट्रो। शी सेट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड। रूथी ने उसके दोनों आर्म से उसको पकड़ा और उसे उठा लिया क्योंकि वो बिल्कुल लाइट था, क्योंकि वो स्ट्रॉ से बना हुआ था, ठीक है। फिर उसको ग्राउंड पर नीचे उतार दिया स्केयर क्रो को रूथी ने। थैंक यू वेरी मच, सेड द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो ने उसका बहुत थैंक यू अदा किया और उसको बोला कि अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। रूथी वॉज सो सरप्राइज टू हेयर अ स्ट्रॉ मैन स्पीक। रूथी को बड़ी हैरानी हुई कि स्केयर क्रो जो है वो उससे बातें कर रहा है, स्ट्रॉ मैन, ठीक है, उससे बातें कर रहा है। द स्केयर क्रो स्ट्रेच्ड एंड यॉन्ड, हु आर यू एज अ स्केयर क्रो एंड वेयर आर यू गोइंग। फिर दोनों में बातें शुरू हो गई। स्केयर क्रो ने स्ट्रेच किया, एक जमाई ली और अंगड़ाई ली और उससे पूछा कि तुम कौन हो और कौन कहाँ से आई हो। रूथी ने बोला माई नेम इज़ रूथी, सेड द गर्ल, एंड आई एम गोइंग टू द एमेरल्ड सिटी। रूथी ने बोला मेरा नाम रूथी है और मैं एमेरल्ड सिटी से आई हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आना है अपने। आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओजी टू सेंड मी बैक होम टू कैंसास। वो ग्रेट ओजी के पास जा रही है क्योंकि उसे कहाँ जाना है, अपने घर वापस कैंसास। वेयर इज़ द एमेरल्ड सिटी, सेड द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो ने पूछा एमेरल्ड सिटी कहाँ है और ये ओजी क्या है। व्हाई डोंट यू नो, शी रिप्लाइड इन सरप्राइज। उसने आप स्केयर क्रो से पूछा तुम्हें इतना नहीं पता कि एमेरल्ड सिटी कहाँ है और ओजी के बारे में भी नहीं जानते। तो स्केयर क्रो ने स्केयर क्रो बहुत जो है वो उदास हुआ। उसने क्या बोला, नो इंडीड, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। यू सी आई एम स्टफ विद स्ट्रॉ सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, ही आंसर्ड सैडली। उसने कहा कि मेरे पास तो कोई दिमाग ही नहीं है क्योंकि वो स्ट्रॉ का बना हुआ है, तो उसके पास क्या है, कोई ब्रेन नहीं है, इसलिए उसको कुछ चीज़ समझ में भी नहीं आती है, ठीक है। उसने कैसे बोला, बहुत सैडली। ओह सेड रूथी, आई एम सॉरी फॉर यू। फिर रूथी ने उससे सॉरी किया। डू यू थिंक, ही आस्क्ड, इफ़ आई गो टू द एमेरल्ड सिटी विद यू। उसने कहा कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ एमेरल्ड सिटी चलूँ, दैट ओजी वुड गिव मी सम ब्रेन्स, ताकि ओजी जो है वो उसको कुछ ब्रेन्स दे दे, यानी उसको दिमाग दे दे ताकि वो भी अपने काम सोच समझ के कर सके। नो इंडीड, आई डोंट नो एनीथिंग। अच्छा ओह सेड, अच्छा कहाँ तक आ गए थे। डू यू थिंक, ही आस्क, इफ़ आई गो टू द एमेरल्ड सिटी विद यू, दैट ओजी वुड गिव मी सम ब्रेन्स। उसने पूछा क्या एमेरल्ड सिटी जाके ओजी मुझे कुछ ब्रेन्स देगा भी या नहीं। रूथी ने कहा आई डोंट नो, शी रिप्लाइड कम टू द एमेरल्ड सिटी विद मी एंड टोटो। उसने बोला तुम आप में हमारे साथ चलो, टोटो के साथ और मेरे साथ एमेरल्ड सिटी। यू कैन आस्क द ग्रेट ओजी फॉर अ ब्रेन, तो आप ओजी से जो है वो ब्रेन मांग लेना, हो सकता है वो दे दे। वट इफ़ ही डजेंट गिव मी वन, यू शुड ट्राई एनी वे, सेड रूथी। उसने बोला आप कोशिश करके देख लो, यू हैव नथिंग टू लूज, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। दैट इज़ ट्रू, सेड द स्केयर क्रो। यू सी आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एनी बडी बींग स्टफ बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट। इफ एनी बडी ट्रीट्स ऑफ माई टॉयज और स्टेक्स अ पेन इन टू मी, इट डजेंट मैटर बिकॉज आई कैन फील इट, आई कॉन्ट फील इट। स्केयर क्रो ने क्या बोला कि मैं जितना चाहे पैदल चल लूँ, मुझे बिल्कुल थकन नहीं होगी क्योंकि वो स्ट्रॉ का बना हुआ है, अगर कोई उसे पिन भी चुबा दे तो उसे बिल्कुल भी फील नहीं होगा, ठीक है। उसने बोला मैं उसने कहा कि मैं स्केयर क्रो ने कि मैं जितना चाहे चल लूँ, मैं बिल्कुल नहीं थकूँगा। रूथी लिसन केयरफुली, रूथी ने उसकी बात ध्यान से सुनी एंड नोटेड, शी वॉज अमेज्ड टू सी द स्केयर क्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग। उसको फिर बड़ी हैरानी हुई कि स्केयर क्रो जो है वो बोलता भी है और फिर चलता भी है। बट आई डोंट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल, स्केयर क्रो ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे फूल कहें। एंड इफ़ माई हेड स्टेज स्टफ विद स्ट्रॉ इंस्टेड ऑफ दिस इंस्टेड ऑफ विद ब्रेन्स एज यू हेज योर्स इज हाउ आई एम आई एवर टू नो एनी थिंग। उसने बोला अगर मेरे पास मैं ये स्टफ़ से पूरा यानी स्ट्रॉ से बना हुआ, अगर क्या हुआ अगर मेरे पास ब्रेन्स भी होंगे तो, ठीक है। फिर रूथी ने क्या बोला, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, सेड द लिटिल गर्ल। उसने बोला ठीक है, मुझे समझ आ गया कि आप विदाउट ब्रेन कैसा फील करते हैं। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, इफ़ यू विल कम विद मी आई विल आस्क ओजी टू डू ऑल ही कैन फॉर यू। मैं वहाँ जाके ओजी को तुम्हारी सारी बात बताऊँगी, हो सकता है वो तुम्हें ब्रेन दे दे। थैंक यू, ही आंसर्ड ग्रेटफुली। स्केयर क्रो ने रूथी को थैंक यू बोला। रूथी टोटो एंड द स्केयर क्रो वॉक टू द फेंस। फिर उन्होंने क्या किया, उस फेंस के साथ आगे चलना शुरू किया, कहाँ, टूवर्ड्स द एमेरल्ड सिटी। टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रो मैन, टोटो जो है वो बार बार
ये जो स्ट्रॉ मैन है इसके गेट घूमता जा रहा था. क्यों? ही ग्रॉल्ड. वो बार बार उसके ऊपर बार कर रहा था, घुरा रहा था. एज ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स इन दिस स्ट्रॉ. उसने सोचा कि शायद इसकी जो बॉडी स्ट्रॉ की बनी हुई है इसके अंदर क्या है, रैट्स यानी चूहे हैं इसके अंदर. ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे बिकॉज ही डिडंट नो द स्केयरक्रो. वो कैसे बिहेव कर रहा था स्केयरक्रो से, क्योंकि वो उसे जानता नहीं था इसलिए वो उससे अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा था. तो ड्रूथी ने जो है वो टोटो को समझाया, डोंट माइंड टोटो, से ड्रूथी टू हर न्यू फ्रेंड, ही नेवर बाइट्स. और उसको भी समझाया स्केयरक्रो को कि आप इससे परेशान नहीं हो, ये हमारा नया दोस्त है, ठीक है. और उसको भी क्या बोला, ही नेवर बाइट्स. ओ आई एम नॉट अफ्रेड, रिप्लाइड द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने क्या कहा कि मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ. ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ. अगर इसने मुझे बाइट भी कर लिया तो स्ट्रॉ को, मैं स्ट्रॉ का बना हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है. टोटो बी नाइस एंड ड्रूथी टू हर डॉग एंड बेंट टू पैट हिम. देन शी पिक्ड अप हर बास्केट एंड बिगिन वॉकिंग अगेन. ड्रूथी ने बास्केट उठाई और ये लोग चलने लगे, ठीक है. डोंट लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू. स्केयरक्रो ने क्या बोला, आपने जो ये बास्केट उठाई है वो मुझे दे दें, ठीक है. इससे क्या, उसने कहा कि मुझे उठाने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो स्ट्रॉ का बना हुआ है, वो अपने साथ बास्केट लेके जा सकता है, ठीक है. देन शी पिक्ड अप. डोंट लेट मी, आई शैल नॉट माइंड इट फॉर आई कैन गेट टायर्ड. वो बास्केट उठा के बिल्कुल भी नहीं थकेगा स्केयरक्रो. I will tell you a secret, he continued as he walking along. There is only one thing in the world I am afraid of. Scarecrow को सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है, ठीक है. What is that? वो क्या है, आज ड्रूथी. ड्रूथी ने उससे पूछा, किस चीज़ से आप Scarecrow आपको डर लगता है. Is it a farmer who made you? क्या उस farmer से जिसने आपको बनाया है. इसने कहा, No. Answered the Scarecrow. It is a lighted match. मुझे सिर्फ माचिस से डर लगता है, ठीक है. जब स्ट्रॉ जो होती है, सूखी घास जो होती है, अगर उसके ऊपर आग जलाएंगे तो क्या होगा, फ़ौरन से आग लग जाएगी. तो स्केयरक्रो को सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो आपको इसका आंसर देना है कि अगर वो एमेरल्ड सिटी गए तो एमेरल्ड सिटी जाके द ग्रेट ओजी ने क्या स्केयरक्रो को ब्रेन्स दिए या नहीं दिए, इसका आंसर आपने देना है, ठीक है. और किसी भी तरह का क्वेश्चन करना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे सब बच्चे पूछ सकते हैं, ठीक है ना. कोई काम गलत नहीं होगा, जो समझ नहीं आ रहा है वो आप मुझसे पूछ लेंगे. थैंक यू सो मच.